देख सके यहाँ गए, क्लिक किया, मूव ऑन। मैं कहता हूँ नेम्स है मेरे पास, सेल्स नेम है जी मदीना, सिद्रा, महवेश, फरहाना, नज़ा, नाजिया। मेरे ख्याल बाकियों के रहने देते हैं, ठीक है, ऐसे तो काफ़ी देर लग जाएगी। ठीक है, ओके, इनकी सेल्स एंटर कर देते हैं। सपोज ये हमारे पास जो है ना सिक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनकी मैंने सेल्स एंटर कर दी। सो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ सपोज 125 एंड 250, 540, 542, 85 एंड 750। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे सम इफ का फंक्शन यूज करना है। मैंने कहा इक्वल सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और यहां पर मैंने जाकर ये रेंज दे दी। अब यहां तक तो बात समझ आती है कि मैंने रेंज सेलेक्ट की, सॉरी मैंने यहां सेल्स कैलकुलेट करनी है। मैं यहां पे ऐसे करता हूँ, एक मिनट ठहरेगा, मैं यहां पे सिद्रा का नाम दो दफा करते हैं, महविश का भी दो दफा कर देते हैं, और फिर सिद्रा का कर देते हैं, फिर मदीहा का कर देते हैं। याद रखिएगा जब आप कोई भी नाम आपने लिस्ट में एंटर किया होगा, मैंने मुनज़्ज़ा का एम यू एंटर किया तो देखिए मुनज़्ज़ा का नाम खुद ही आ गया। और अगर मैं यहाँ पे एस प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट की ऑप्शन आ रही है। मैं इस पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट पर जब क्लिक करूँगा तो ये ऊपर की तमाम वैल्यूज में से मुझे ऑप्शन देगा कि कौन सी वैल्यू आपने पिक करनी है। और ये जो सिलेक्शन होती है ये बेसिकली इसी लिस्ट से होती है। मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक करके सिद्रा का नाम यहाँ लिख दिया। मैं कुछ सेल्स यहाँ पे दोबारा एंटर कर लेता हूँ, 200, 400, 200, 400, 200 एंड देन 250। ठीक है जी, अब हम यहाँ आ जाते हैं। मैंने कहा सम इफ करो इक्वल सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, देन मैंने यहाँ पर सेल्स का जो कॉलम था उसको सिलेक्ट कर लिया। सेल्स इन थाउजेंड एंड मिलियंस आपकी मर्जी है, इतनी मर्जी कैलकुलेशन आप कर लें। मैं फिगर चार के छोटे रखें ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। नेक्स्ट वन, हमें जो ऑप्शन चाहिए वो रेंज के बाद इसका क्राइटेरिया चाहिए। मैंने कह दिया क्राइटेरिया में जाकर कोमा, क्राइटेरिया में जाकर मैं क्राइटेरिया डिफाइन करता हूँ। सिर्फ मैं कहता हूँ उन लोगों की रेंज जिनकी जो है ना रेंज की वैल्यू बड़ी है, बड़ी है किससे, हम कह देते हैं 300 से। ब्रैकेट क्लोज की, कुछ समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया है। मेरे पास ये हुआ ही है, ये जो अमाउंट आई है ये बेसिकली ये आया है कि कितने लोग हैं जिन्होंने 300 से ज्यादा सेल्स की है। समझ आ रही बात की? अब मैं ये चाहता हूँ कि इनके आगे ना सेल्स पर इन्हें कमीशन भी मिले हैं। ठीक है, मसलन मदीहा को हमने दिया है सपोज, मैं कहता हूँ इक्वल सेल्स का, देखिएगा सेल्स का 15%। मेरा ख्याल है मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। सेल्स का 15% यानी अगर मदीहा ने 125 रुपये की आज सेल की है तो आज इसका 15% कमीशन बनता है, तो आज इसको 18.75 रुपये जो है वो मिलेंगे। मैंने इसी वैल्यू को ड्रैग कर दिया तो ये मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो आ गई हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशंस में ये कभी नहीं होता कि हर एक को कमीशन मिले। जरा यहाँ देखें तो यहाँ सिद्रा ने सिर्फ 200 की सेल की है। अब अगर मैं कहता हूँ मुनज़्ज़ा की बात करें तो मुनज़्ज़ा ने सिर्फ सेल्स की है 85 की। अब मुनज़्ज़ा को भी उतना ही कमीशन मिल रहा है, यानी 15% मिल रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वो टारगेट सेट करती है, कहती है कि नहीं मुनज़्ज़ा को कमीशन नहीं मिलेगा, कमीशन सिर्फ उसको मिलेगा
जो अपने टारगेट को चेक करेगा या टारगेट को अप्रूव करेगा या टारगेट को अचीव करेगा। तो टारगेट कितना है, हमने कहा था 300 का, इसका मतलब ये हुआ कि 300 पे सिर्फ जो है वो हमें जो है वो कमीशन जो है वो देना है, बाकियों पे नहीं देना। तो अभी जो है ना, अगर ये मैं इस तरह कैलकुलेट करूँ तो ये तो मेरे पास आ गई है जनाब। अगर हम वैसे सेल्स देखें तो मैं यहाँ पे चले क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ टोटल्स टाइप कर देता हूँ और मैं इधर टोटल कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये मेरा इसका टोटल आ गया। अगर मैं इधर कैलकुलेट करूँ तो मुझे तकरीबन मेरी यहाँ वो कह रहा है सेल हुई है 3760, सॉरी 3764 रुपये की, जब उस पर कमीशन बनता है लोगों का तकरीबन कितना 565 रुपये तकरीबन बनता है। और अगर मैंने जमा करूँ तो मुझे कुल जो है ना सेल्स इतनी हुई है, और इतना कमीशन अंदर से देने के बाद, सॉरी सामने करेंगे, अब मेरी इतनी सेल हुई है और अगर मैं इसमें से कमीशन पे करता हूँ तो मुझे तकरीबन 3199 रुपये, तकरीबन 3200 रुपये जो है वो आए। मैं चाहता हूँ कि जो जैसे ये एंट्री है और जैसे ये जो 300 से कम वाली एंट्रीज हैं, इनके ऊपर कमीशन नहीं देना। अब अगर इन पे कमीशन नहीं देना फिर क्या होगा, फिर ये कि मुझे ऑब्वियसली एडवांटेज होगा कि 85 वाले को कभी मैं कमीशन नहीं दूंगा क्योंकि ये अपने टारगेट पूरे नहीं कर रहा। फिर हम यहाँ जाते हैं और यहीं जाकर हम कहते हैं कि मैंने कहा था कि ये मेरी रेंज है। अब आप रेंज के अंदर बेसिकली अपने पास कमीशन वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे कि ये कमीशन आपने जो सम अप करना है ग्रेटर देन, मैंने कहा मैंने सेल्स वाला कॉलम सेलेक्ट किया, सेल्स वाले कॉलम पर आपने कहा रेंज, जहां रेंज 3300 से बड़ी है वो कोमा किया, और यहां मैंने कह दिया कमीशन। अब होगा ये कि वो रेंज पर जाएगा यानी सेल्स वाली रेंज में। अब इसका 125 है इसकी सेल्स मदीहा की, तो देखिएगा क्या ये 125 300 से बड़ी है, नहीं। इसका कमीशन जो है वो ऐड नहीं करेगा क्योंकि सम रेंज कौन से करने के लिए मैंने दी है, सम रेंज करने के लिए मैंने कमीशन वाले कॉलम की रेंज दी। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया आप देखें अब मेरा कमीशन आया है 368 रुपये, जबकि यहाँ कमीशन बन रहा था 5564, तकरीबन 565 रुपये। अब वो सिर्फ उन लोगों का कमीशन काउंट कर रहा है जिनकी सेल्स 300 से ज़्यादा है। मसलन मेविश को यहाँ कमीशन मिल रहा था, हम ऐसे करते हैं इसको भी 200 कर देते हैं, इसे भी 200 कर देते हैं, इसको भी 200 कर देते हैं और नीचे इसको भी 200 कर देते हैं। आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे 200 300 से कम वाली वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं मेरा कमीशन जो है वो चेंज होता जा रहा है, जबकि नीचे कमीशन के अमाउंट अभी 369 रुपये ही है। लेकिन यहाँ देखें कि सिर्फ अब मैविश की इस सेल के ऊपर, बाकी सेल्स पे नहीं, सिर्फ इस सेल के ऊपर मैविश को कमीशन जो है वो मिल रहा है, बाकियों को कमीशन जो है वो नहीं मिल रहा। क्लियर है जी सबको? इस तरह से हम सम इफ के फार्मूले को सेल्स कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो आप पूछ सकते हैं।